हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरम है मेजर सेट पे, उसको देखते हैं हम। देखो, लेक्चर नंबर 7 है आज, इम्पोर्टेंस थ्योरम्स। ठीक है, पहले तो इनका प्रूफ हम नहीं कराएंगे। ठीक है, इनका प्रूफ आता नहीं है, तो इनके खाली स्टेटमेंट देख लो। स्टेटमेंट है, देखो, इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट। ठीक है, दो मेजरेबल सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। ए एंड बी मेजरेबल है, उसका इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या होगा, मेजरेबल होगा। ठीक है, वैसे फाइनाइट इंटरसेक्शन, ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन k इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, a के, ठीक है, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, ये डिसजॉइंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट। और वैसे काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट, यहां पर k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a के। ठीक है, countable intersection of measurable set is measurable set। ठीक है, अब देखो, difference of two measurable set is measurable set। ठीक है, इसका proof देखेंगे अभी हम। जो second fundamental theorem है वो ये है। ठीक है, इसका proof देखेंगे, इसका वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है difference of two measurable set is measurable set। ठीक है, जो दो measurable set है उसका difference भी क्या होगा, measurable set होगा। ठीक है, difference भी हमारे पास क्या होगा, measurable set होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको जो सेट जो डिफरेंस दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है ए माइनस बी, क्योंकि सेट है। अगर ये सेट है ए बी है, ठीक है, ये ए बी सेट है। ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, माने ये ऐसा डिफरेंस भी है ए और बी, इन दोनों का माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो, अगर इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, ए में से ये वाला आएगा कुछ, ए के आएंगे कुछ। ठीक है, तो यहां पर से देखो ये सेट हो गया, तो यहां पर से ए इंटरसेक्शन ए लेना है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करना है। ये बी कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा। ठीक है, ये वाला क्या होगा, हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, हमारे पास ऐसा भी सेट दे सकते हैं ये ए बी, जिसमें कुछ आए कॉमन आए। ठीक है, तो ए माइनस बी कौन सा होगा, यहां पर ये वाला कुछ होगा। ठीक है, तो मतलब यहां पर से ए के साथ किसका इंटरसेक्शन करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, जो बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ का आ रहा है उसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ। ठीक है, वही क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस होता है दो सेट्स का। ठीक है, सेट्स ही तो पढ़ रहे हम, उसमें मेजरेबल दिखाना है उसे। ठीक है, तो ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ए बी के हमारे पास सेट्स हैं। ठीक है, ए बी हमारे पास क्या सेट्स हैं, सेट्स का हमें मेजरेबल दिखाना है, मतलब मेजरेबल ए माइनस बी, ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। ठीक है, ये दिखाना है हमें, ये है डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट। ठीक है, और सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक को ऐसे डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी से, इज मेजरेबल सेट। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ, यहां पर लिखना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी, जहां ए बी क्या है, हमारे मेजरेबल सेट है, जिसको ए डेल्टा बी को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, जैसे ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पर, यहाँ पर क्या होता है, कॉमन, सॉरी, डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है, कहने का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस होता है, कहीं पर माइनस लिख दे रहे हैं, कहीं पर डिफरेंस साइन, ऐसे डिफरेंस साइन। ठीक है, तो ए डेल्टा बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है हमारे पास। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ e1 e2 e3 डॉट डॉट आर मेजरेबल सेट्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या है, मेजरेबल, डिसजॉइंट हो भी सकते हैं नहीं भी। ठीक है, डिसजॉइंट हो भी सकते हैं नहीं भी। ठीक है, देन द सेट इंटरसेक्शन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ek इज मेजरेबल सेट। ठीक है, तो हमारे पास क्या, देन द सेट इंटरसेक्शन जो काउंटेबल इंटरसेक्शन मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट होगा। देखो प्रूफ, देखो, लेट e1 e2 e3 आर मेजरेबल सेट्स टू प्रूफ e इक्वल टू इंटरसेक्शन k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ek मेजरेबल सेट। ठीक है, ek हमारे पास क्या है, मेजरेबल सेट, ये हमें प्रूफ करना है। वी नो दैट हमें काउंटेबल यूनियन का लेना पड़ेगा। ठीक है, यूनियन का लेंगे तो हम इंटरसेक्शन का निकाल लेंगे। देखो यूनियन का लेंगे, देखो, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट। ठीक है, ये हमने ये वाला लिया, इसको हमने g ले लिया। ठीक है, यूनियन को जी लिया, इंटरसेक्शन को ई ले लिया हमने। ठीक है, यूनियन का जी हमने, जी इक्वल टू यूनियन ऑफ के इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ई के हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ई इक्वल टू इंटरसेक्शन, लेट हमने ई जो इंटरसेक्शन है उसे ई ले लिया। ठीक है,
इक्वल टू इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ई के, देन देखो ये है तो ई कॉम्प्लीमेंट हमारे दोनों तरफ के लेना कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे ऐसे ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री इंटरसेक्शन डॉट 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 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे, अगर हम डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे तो यहां पर क्या जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ई वन कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ई टू कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ई थ्री कॉम्प्लीमेंट यूनियन डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा पास डी मॉर्गन लॉ में, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट सब आ जाएगा, ठीक है, हर सेट्स में आ जाएगा, और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर क्या आ जाएगा हमारा यूनियन आ जाएगा, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ इट इज इंप्लाइड ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ई के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बाय डी मॉर्गन लॉ। नाउ गिवन दैट ई के इज मेजरेबल सेट, यहाँ पर क्या है ई के सारे क्या मेजरेबल सेट है फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, ठीक है, तो इट इज इंप्लाइड दैट ई के कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल सेट, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट, ठीक है, इफ ए इज मेजरेबल सेट इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे लिखो ए इज मेजरेबल सेट इफ एंड ओनली इफ ई ए कॉम्प्लीमेंट इज मेजरेबल सेट, ये हमने प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूनियन भी, अगर ये मेजरेबल है इसका यूनियन भी क्या होगा मेजरेबल सेट होगा, काउंटेबल यूनियन, काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट फॉर ऑल के हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, ठीक है, यहाँ पर ये लगेगा काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट, ठीक है। इट इज इंप्लाइड दैट ये हमारे पास क्या निकला ई कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसका इक्वेशन वन ले लिया इसे इक्वेशन टू ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फ्रॉम टू, यहाँ पर टू आ जाएगा ना, ठीक है। अब देखो इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, इट इज इंप्लाइड दैट ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ई इज मेजरेबल सेट, क्योंकि ये वाला कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट, यहाँ पर लिख भी सकते हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट, रीजन भी लिखते रहना, ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसा क्यों लिया है, तो हैंस जो हमारे पास ई हमारे पास क्या था ये था, ठीक है, ई इंटरसेक्शन ई इक्वल टू इंटरसेक्शन के इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ई के इज मेजरेबल सेट, हैंस प्रूफ, ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो थ्योरम है, पहली थ्योरम इफ सीक्वेंस ई एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, जो सीक्वेंस ई एन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, जो भी सीक्वेंस है ये क्या है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, ऑफ मेजरेबल सेट, मेजरेबल सेट्स की इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड ई इज का सॉरी ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई के, मतलब हमें ई एन के देखा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस देखा, और जो भी एलिमेंट है ई वन ई टू ई थ्री वो क्या है सारे मेजरेबल सेट्स हैं, सारे क्या है मेजरेबल सेट्स हैं, और इनका यूनियन किसके बराबर दे रखा है, यूनियन हमने ई के बराबर दे रखा है, ठीक है, इसका इनका यूनियन ई के बराबर दे रखा है। देन हमें क्या प्रूफ करना है, मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी मेजर ऑफ ई एन, ठीक है, मतलब जो इसकी लिमिट मेजर ऑफ ई एन की लिमिट होगी उसके बराबर हमारे पास क्या होगा ये ई होगा, ठीक है, जो यूनियन होगा हमारा मेजर ऑफ यूनियन होगा वो हमारे पास क्या निकलेगा, जो हमारी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ई एन पे आएगा मेजरेबल ई एन पे उसके बराबर होगा, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं, गिवन हमें है ई वन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग कब होता है, ठीक है, जो सीक्वेंस को इंक्रीजिंग कब होता है, जब ए वन इज लेस देन ए टू इज लेस देन ए थ्री, मतलब ये क्या है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नंबर हमेशा क्या है जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऐसे बोलेंगे, तो ये क्या है ये सेट्स है, तो ई वन इज सबसेट ऑफ ई टू, ई टू इज सबसेट ऑफ ई थ्री डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये हो गए, एंड ईच ई के जो भी ई के दे रखा है ये क्या है मेजरेबल सेट है फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन, एंड ई क्या दे रखा है यूनियन के बराबर दे रखा है, यूनियन के इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ई के दे रखा है, ठीक है। अब देखो टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है जो यूनियन है ई के, सॉरी यहाँ पर प्रूफ हमें ये करना था, सॉरी हमें करना था मेजर ऑफ ई इक्वल टू लिमिट मेजर ऑफ ई एन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। अब देखो सिंस हमें ये दे रखा है ई इज इक्वल टू यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू वन टू इंफिनिटी ई के दे रखा है, वी कैन राइट इट एज हम इसको कैसे लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू
E1 यूनियन E2 हमें क्या दे रखा है, जो E है ये E इज अ सबसेट ऑफ E2, ये वाली जो लाइन है ठीक है, मतलब ये वाला जो पूरा है, ये वाला क्या हमारे पास, ये पूरा ये हमारे पास E1 है ठीक है, और ये जो E1 को मिला के ये पूरा है, ये क्या है E2 है ये वाला पूरा ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो अंदर वाला है ये वाला पूरा E1 को मिला के भी, और ये जो ग्रीन वाला डॉट है इसको मिला के भी हमारे पास क्या है, ये E2 है, और यहाँ पे ये E2 को मिला के और ये ग्रीन डॉट मिला के ये E3 है ठीक है। अब देखो सिर्फ हमें ये वाला निकाले, जो ग्रीन डॉट वाला है वो क्या निकलेगा हमारा, E2 में से E1 माइनस कर देंगे हम, जो ग्रीन डॉट वाला है ठीक है, जो देखो ग्रीन डॉट वाला है ये एरो है ठीक है, तो ये ग्रीन डॉट वाला जो है सिर्फ वो क्या हमारे E2 माइनस E1 है ठीक है, ये पूरा क्योंकि ये देखो ये वहां से क्या है, ये पूरा E2 है ये ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा है ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा ठीक है, ये पूरा क्या हमारे पास ये वाला पूरा E2 है और अंदर वाला E1 है, तो E और जो हम डॉटेड लाइन दिखाएंगे जिसके बीच का एरिया होगा वो किसने निकालते हैं E2 माइनस E1 ठीक है, इस तरीके से ठीक है, तो डॉटेड वाला हो जाएगा हमारा E2 माइनस E1, वैसे ये वाला क्या हमारे पास ये यहां तक कितना हमारे पास E3 है, यहां तक क्या हमारे पास E3 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा E3 माइनस E2 जो हमारे बीच का होगा, यहाँ पर ये E2 है, यहाँ से E3 है, यहाँ पर E3 है, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा डॉटेड ग्रीन डॉटेड वाला E3 माइनस E2 ठीक है, वैसे ये वाला जगह ग्रीन डॉटेड E4 माइनस E3 ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, तो हम इसको यूनियन लिख सकते हैं, सारे क्या हो जाएंगे डिसजॉइंट होंगे ठीक है, ये E1 हो गया, ये बीच वाला E2 हो गया ठीक है, हम यूनियन लिख सकते हैं ना इसका ठीक है, तो वही करते हमने, तो E1 यूनियन E2 E2 माइनस E1 यूनियन E3 माइनस E2 ठीक है, ये वाला मतलब ये वाला यूनियन, ये वाला यूनियन, ये वाला डॉट डॉट जितने भी आएंगे ठीक है, यूनियन डॉट 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 ठीक है, इसे इक्वेशन 1 ले लिया हमने ठीक है, इसको हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, सारे क्या होंगे डिफरेंस, क्योंकि देखो हमें पता है सिंस E1 एंड EN माइनस आर मेजरेबल सेट्स ठीक है, देन E1 EN माइनस EN माइनस 1 इज मेजरेबल सेट, क्या है डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल सेट ठीक है, यहां पे ये भी लिख सकते हो बिकॉज डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल सेट ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट ठीक है, क्योंकि E1 एंड EN माइनस 1 क्या है सारे मेजरेबल है ठीक है, तो हमें उनका डिफरेंस भी क्या होगा मेजरेबल होगा ठीक है, टेकिंग मेजर बोथ साइड इन वन, इक्वेशन 1 में मेजर ले लिया बोथ साइड ठीक है, तो हम E को हम ऐसे तरीके से लिख सकते हैं ठीक है, E को क्या हम लिख सकते हैं E इक्वल टू E1 ठीक है, E1 और यहां से जो डिफरेंस वाला है उनका यूनियन ले लो, यूनियन K इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी E K+1 माइनस EK लिख सकते हैं ना ऐसा ठीक है, तो यूनियन क्योंकि डिफरेंस से आ रहा है, डिफरेंस वाले एक साथ ले लिया हमने ठीक है, तो यहाँ पे देखो K इक्वल टू K1 रखा और यहाँ पे आएगा E2 माइनस E1 यूनियन E3 माइनस E2 ठीक है, हमने ये ले लिया, तो हम इसमें मेजर लगाएंगे, तो हमने मेजर लिख रखा है मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 माइनस E1 यूनियन E3 माइनस E2 यूनियन डॉलर डॉट जैसा है ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो आउटर मेजर, यहाँ पे देखो ये इसके बराबर है, बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम लिख सकते हैं हम, बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, ये इक्वल साइन आएगा ठीक है, इक्वल साइन ही आएगा क्योंकि ये सारे क्या है डिसजॉइंट है ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से क्या निकलता है, अगर हमारे पास सारे मेजरबल सेट डिसजॉइंट है तो उनका यूनियन क्या हो जाता है उसके मेजर के बराबर हो जाता है ठीक है, यूनियन ऑफ E इक्वल टू ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा ये सारे क्या हो जाएंगे, ये E1 इक्वल टू मेजर ऑफ E1 प्लस समेशन ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या डिसजॉइंट है, तो समेशन E2 माइनस E1 मेजर ऑफ E2 माइनस E1 समेशन मेजर ऑफ E3 माइनस E2, तो सबको एक साथ लिख दिया ठीक है, तो यहाँ पर समेशन आएगा मतलब इस तरीके से आएगा हमारे पास ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मेजर ऑफ E2 माइनस E1 यहाँ पर आएगा प्लस मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E3 माइनस E2 प्लस डॉट डॉट ठीक है, तो हमने इसको ऐसे समीशन में लिख दिया K इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी मेजर ऑफ EK+1 माइनस EK ठीक है, ये हो गया, अब मेजर डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है ठीक है, तो मेजर मेजर ऑफ EK+1 माइनस मेजर ऑफ EK लिख दिया हमने ठीक है, तो मेजर ऑफ E1 प्लस लिमिट एस टेंस टू हमने इसको क्या कर दिया फाइनाइट तक कर दिया, और जो फाइनाइट वाला है उसके बाद इसको लिमिट लगा दिया ठीक है, उसके बाद हमने क्या लगा दिया इसमें लिमिट लगा दिया, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन के इक्वल टू 1 टू n ठीक है, n तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जाएगा, फिर k के बाद जो भी आएगा k+1
अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, एन तक ले लिया हमने से वो मेजर ऑफ ई के प्लस वन माइनस मेजर ऑफ ई के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से इसको खोल दो, मतलब इसमें के की वैल्यू रखते जाओ, तो आएगा मेजर ऑफ ई टू माइनस मेजर ऑफ ई वन प्लस मेजर ऑफ ई थ्री माइनस मेजर ऑफ ई टू प्लस मेजर ऑफ ई फोर माइनस मेजर ऑफ ई थ्री प्लस डॉट डॉट मेजर ऑफ ई एन प्लस वन माइनस मेजर ऑफ ई एन, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ से मेजर ऑफ ई एन तक ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो लिमिट इसमें लगाएंगे, ये क्या आ रहा है, एक नंबर का जो पहला है उसका सेट का मेजर निकाले, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी, मेरे पास क्या आएगी, कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है, जो सेट है ये वाला सेट है E1, इसके मेजर निकालना, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी उसमें लिमिट लगाएंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 में हमने लिमिट लगाई तो हमारे पास क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, है ना, तो इसमें हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, मेजर ऑफ E1 यहाँ पर से प्लस वाला ले लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्योंकि इसमें है En प्लस 1, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस मेजर ऑफ En, ठीक है, E1, ठीक है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आया हमारा पास मेजर ऑफ E इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ En प्लस 1, ठीक है, ये आया हमारे पास मेजर ऑफ En प्लस 1, ठीक है। अब हमें पता है सीक्वेंस में अगर हमारे पास ये यहाँ की लिमिट अगर हमारे पास फाइनाइट निकली तो उसके आगे की लिमिट भी क्या जाएगी, इसी पर जाएगी सबसिक्वेंस, ठीक है। अगर इस सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है, तो उसकी सबसिक्वेंस भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, उसके बाद वाली लिमिट भी ए एन माइनस कहां पर जाएगी, एल पे ही जाएगी, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी मेजर ऑफ ई एन भी कहां आएगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, देखो लिमिट ए एन इक्वल टू लिमिट ए एन प्लस 1, ठीक है, तो हमने ये लिखा मेजर ऑफ ई एन हो जाएगा, ठीक है। तो यह हैंस प्रूफ, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, आउट मेजर ऑफ ई इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी मेजर ऑफ ई एन, ठीक है। अब देखो ये तो इंक्रीजिंग के लिए था, अब डिक्रीजिंग के लिए कैसे करेंगे, ठीक है, अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग भी रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीजिंग में इंटरसेक्शन निकालना है हमें, ठीक है, इंटरसेक्शन दिया रहेगा और हमें प्रूफ यही करना है, ठीक है। तो उसे देखते हैं हम, देखो थ्योरम टू, देखो थ्योरम टू है द सीक्वेंस ई एन बी मॉनिटरली डिक्रीजिंग, अभी हमने इंक्रीजिंग देखा था, अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स एंड ई इज अ इंटरसेक्शन, ठीक है, ई हमें इंटरसेक्शन दे रखा है, डिक्रीजिंग में क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, इंटरसेक्शन काउंटेबल इंटरसेक्शन दे रखा है, देन मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी मेजर ऑफ ई एन, ठीक है, मेजर ऑफ ई इज लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ई एन दिखाना है, ठीक है। मतलब ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब डिक्रीजिंग मतलब जो हमें एक सेट दे रखा है उसके अंदर क्या है, ये सारे सेट है, ठीक है, जो हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब इस तरीके से अगर हम ग्राफ में देखें, ये मतलब ये कोई डिक्रीजिंग ऐसे करके जा रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग है, मॉनिटरली डिक्रीजिंग, मॉनिटरली मतलब क्या है, अगर वो डिक्रीज कर दिए तो डिक्रीज ही करेगी, कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी, किसी भी नंबर पे इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है, डिक्रीज ही करेगी, मतलब जो हमारा A1 होगा ग्रेटर देन A2 होगा, A2 इज ग्रेटर देन A3 होगा, A3 ग्रेटर देन A4 होगा, ठीक है, कभी भी इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो हमारे पास देखो गिवन, हमें गिवन दे रखा है, मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यहाँ पे ई एन क्या है, सारे क्या है, सेट्स है, तो मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट बोलते हैं, E1 इज सुपर सेट ऑफ E2, E2 सुपर सेट ऑफ E3, E3 सुपर सेट ऑफ डॉट डॉट डॉट, आगे वो E4 जो भी आएगा, ठीक है, ये सारे ऐसे क्रम से चलते रहेंगे, और यहाँ पे एंड ई इज अ इंटरसेक्शन, ठीक है, जो सारे सब का इंटरसेक्शन होगा, मतलब हमने कुछ ले लिया ए, हमने जो सेट लिया, हमने लिया 1 to 10 ले लिया, ठीक है, बी हमने ले लिया इवन नंबर्स का ले लिया, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, सी हमने ले लिया प्राइम नंबर ले लिया, ठीक है, 1 to 5 ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया, देखो यहाँ पे ये इसका सुपर सेट नहीं है, सॉरी, ये इस तरीके से ले लिया, ठीक है, मतलब ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी, बी इज अ सुपर सेट ऑफ सी, ठीक है, और यहाँ पे हमने कोई डी ले लिया, डी इज इंटरसेक्शन ऑफ ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, जो इन सब में से डी क्या आएगा, इन सब में से जो भी इंटरसेक्शन होगा वो आएगा, ठीक है, डी समय जो भी इंटरसेक्शन है वो आएगा, ठीक है, मतलब जो भी लास्ट वाला आएगा,
लास्ट वाला जो होगा वही हमारे क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में हमने उसको क्या ले लिया, ई ले लिया, ठीक है। इज ए इंटरसेक्शन ऑफ के जी गट वन टू इन्फिनिटी ई के, वेयर ईच ई के इज मेजरेबल सेट, ठीक है। यहाँ सब क्या है, मेजरेबल सेट है, ईच ई के इज मेजरेबल सेट फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन। टू प्रूफ क्या करना है हमने, मेजर ऑफ ई जीगल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मेजर ऑफ ई एन, ठीक है। तो हम देखो, अगर हमने फिगर बनाया, मतलब ये क्या है, सबसे बड़ा ये ई वन है, ये सबसे बड़ा ई वन है, फिर उसके अंदर ई टू है, उसके अंदर ई थ्री है, डॉट डॉट हम ऐसे जाएंगे, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, ई एन मिलेगा, ठीक है। सबका जो भी इंटरसेक्शन होगा वो हमें क्या मिल रहा है, ई एन मिला, लास्ट में हमें यहाँ ई एन मिलेगा, ठीक है। तो हमने देखो ये ई वन है, ठीक है, ई टू हमने लिया, तो उसके बीच का क्या हो जाएगा हमारा, ई वन, क्योंकि ई वन क्या है, ई वन क्या है, बड़ा है, और ई टू क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई वन माइनस ई टू, ठीक है। ये जो है ग्रीन डॉटेड वाला जो भी एरिया है वो हमारे पास क्या होगा, ई वन माइनस ई टू होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये वाला ग्रीन डॉटेड E2 माइनस J वाले E2 की है, और यहाँ पे E3 है, तो E2 माइनस E3, ठीक है। वैसे जो भी आएगा E4 माइनस, सॉरी E3 माइनस E4 आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो फ्रॉम फिगर वी सी डेट, हमें फिगर से क्या मिल रहा है, E1, ठीक है, E1 सबसे बड़ा है, ठीक है, E1 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो मतलब जो भी अंदर से आते रहेगा, ये वाला E1 माइनस E2 यूनियन, E2 माइनस E3 यूनियन, जो भी अंदर को आते जाएगा, E3 माइनस E4 यूनियन, वो सब क्या आएगा, सबका यूनियन जो निकालेंगे वो हमारे पास क्या बनेगा, E1 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, देखो इसका दोनों का यूनियन कर, तो हमारे पास क्या बनेगा, हम ऐसे ऐसे और भी लेते रहेंगे, सेट्स लेते रहेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, जो भी यूनियन बनेगा हमारे पास, मतलब ये होना चाहिए, ठीक है, बी यूनियन, मतलब हमारे पास जो बी ई टू माइनस जो भी हमारे पास आएगा, ई टू ए माइनस बी जो भी आएगा, जो ये बीच वाला एरिया है वो आना चाहिए, कहने का मतलब है, ठीक है, ए माइनस बी, वैसे बी माइनस सी जो यहाँ पर बाकी बचा है वो आना चाहिए एरिया, ठीक है, ये कहने का मतलब है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो भी ए आएगा, देखो ए यहाँ पर लिखेंगे हम बी, फिर जो ए आएगा, जो भी एरिया बच रहा है उसका यूनियन होगा, ठीक है। देखो अगर हमने यहाँ पर जो भी लिया था बी, हम उसको देखो, देखो बी इजिकल टू यहाँ पर आ रहा था वन टू फोर सिक्स एट टेन लिया था हमने, और सी हम ले रहे थे टू और फोर, ठीक है, ये हो गया। अब ए माइनस बी करो, ए माइनस हमने बी करा, तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी, जो भी ए के बाकी बचे हैं वन थ्री फाइव सेवन सिक्स, सॉरी सिक्स फाइव सेवन नाइन, ठीक है, ये हमारे क्या है, ए माइनस बी है, ए में से जो भी एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट हटा देना है, बाकी जो ए के हैं वो बचेंगे। यहाँ पर देखो b माइनस सी करो, इसमें आप b माइनस सी करो, टू फोर हट जाएगा, यहाँ पर आएगा सिक्स एट टेन आएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस सी, इसका यूनियन करेगा तो आएगा वन थ्री फाइव सेवन नाइन सिक्स एट टेन। तो हमने ये निकाला a इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस सी, एक और छूटा हमारा यूनियन जो D हमने निकाला था, D हमारा D भी आएगा, ठीक है, जो आपने यहाँ पे E लिखा, ठीक है। सबका इंटरसेक्शन निकालना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इसका क्या आ रहा है, टू कॉमा फोर, ठीक है, यूनियन D, ठीक है, यूनियन D करेंगे तो यूनियन D में क्या आएगा, टू कॉमा फोर है, तो यहाँ पर टू कॉमा फोर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, A के बराबर आ गया, तो हमारे पास ये क्या आया, A के बराबर आ गया, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर भी हमने वही कर रखा है, A E1 माइनस E2 यूनियन E2 माइनस E3, जो हमें E1 को लिखा हमने, E1 को लिखा हमने E1 माइनस E2 यूनियन E2 माइनस E3 यूनियन डॉट 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 यूनियन E, जो सबका इंटरसेक्शन है, ठीक है, यूनियन E भी हमें इसमें, तो हमारे पास क्या आएगा, E1 के बराबर आएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर निकाला। अब देखो E1 इजिकल टू E यूनियन K इजिकल टू वन टू इन्फिनिटी ई के माइनस ई के प्लस वन, ठीक है, यहाँ पर K आएगा, K इज वन माइनस टू E2 यूनियन E2 माइनस E3 ऐसे करके आएगा, तो हमें लिख दिया हमने E के माइनस E के प्लस वन, इसे इक्वेशन वन लिख ली, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिखते हैं, यूनियन ऑफ डिजॉइंट मेजरेबल सेट्स, ये सारे क्या हैं, डिजॉइंट होंगे, देखो कैसे, ये भी क्या होगा, ये डिजॉइंट होगा, देखो यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, जो भी आएगा सब अलग अलग आएंगे, ये सारा डिजॉइंट है। अब देखो E भी क्या आएगा, देखो डिजॉइंट आएगा, देखो यहाँ पर देखो ये भी अलग है, ए माइनस बी ये अलग है, ये अलग है, डी अलग है, सारे क्या है, डिजॉइंट है कि नहीं है, ठीक है, सारे हमारे पास क्या है, डिजॉइंट है, ठीक है, डी भी हमारे पास क्या है, सारे ये a माइनस बी, बी माइनस सी और d भी क्या है, डिजॉइंट है सारे, ठीक है। तो डिजॉइंट देखो,
अब देखो यहाँ पे जो e है ये भी क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है। देखो e n आर मेजरेबल सेट्स एंड डिफरेंस ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल सेट, ठीक है। ये भी क्या होगा, मेजरेबल सेट होगा। अब देखो एंड e इज आल्सो मेजरेबल सेट, इज आल्सो मेजरेबल सेट। देखो e कैसे मेजरेबल सेट है, क्योंकि e हमें क्या दे रखा है, countable union of countable intersection of measurable set, ठीक है। Because countable intersection of measurable set is measurable set, तो हमारे पास e भी क्या आ गया, measurable set आ गया। अब measurable बताने से क्या, अगर हम देखो measure लगाएंगे इसमें disjoint है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, summation में मिल जाएगा, equal summation के बराबर मिलेगा, ठीक है, by first fundamental theorem। Taking measure both side in one, ठीक है, measure लगा तो measure of e1 is equal to measure of e, ठीक है, plus आ जाएगा same k is equal to 1 to infinity समीशन के इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी मेजर ऑफ ई के माइनस ई के प्लस 1 बाय यहां पर है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम से हमें मिल गया मेजर ऑफ ई प्लस समीशन के इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी मेजर ऑफ ई के माइनस ई के प्लस 1, ठीक है। अब देखो लिमिट जैसे हमने पहले करा था, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी कर दी, के को हमने ले लिया, के इज इक्वल टू 1 टू एन ले लिया, ठीक है, मेजर ऑफ ई के माइनस मेजर ऑफ ई के प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो हम सब इसको खोल देंगे, हम ओपन कर देंगे, तो मेजर ऑफ ई प्लस लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी मेजर ऑफ ई 1 माइनस मेजर ऑफ ई 2 प्लस मेजर ऑफ ई 2 माइनस मेजर ऑफ ई 3 प्रोडक्ट ऑफ मेजर ऑफ ई एन माइनस मेजर ऑफ ई एन प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेजर ऑफ ई प्लस मेजर ऑफ यहाँ पे ई वन ऐसी रहेगा, सारे बाकी कट जाएंगे, ई टू यहाँ पे मेजर ऑफ ई टू ये कट जाएगा, मेजर ऑफ ई थ्री सब कट जाएंगे, ठीक है, सब इतना बचेगा, ये बचेगा, ये और ये वाला बचेगा, ठीक है। तो मेजर ऑफ ई वन माइनस लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी मेजर ऑफ ई एन प्लस 1। अब देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड मेजर ऑफ ई वन है, ठीक है, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इसको लेफ्ट लेके जाओ या राइट लेके जाओ कहीं भी, तो हमारे पास मिल जाएगा मेजर ऑफ ई इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी मेजर ऑफ ई एन, मिला नहीं मिला, मेजर ऑफ ई एन, ठीक है, क्योंकि ई एन ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है, जो भी इसकी लिमिट होगी वो भी ई एन की लिमिट भी वही होगी, ठीक है। तो हमारे पास मिल जाएगा मेजर ऑफ ई इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी मेजर ऑफ ई एन, हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, If E1 and E2 are measurable sets of AB, then prove that measure of E1 plus measure of E2 is equal to measure of E1 union E2 plus measure of E1 intersection E1 intersection E2, ठीक है? हमें दो measurable sets दे रखे हैं, उनका जो measure का sum होगा, वो हमारे पास क्या होगा? Sum of union और intersection का होगा, ठीक है? तो हमें देखो since E1 is measurable set, then for any A subset of AB, ठीक है? AB का subset है, तो आउटर मेजर मेजर की डेफिनेशन से, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखो टेकिंग हमें लेना है, टेकिंग ए इज इक्वल टू ई वन यूनियन ई टू, ठीक है, ए को हमने ई वन यूनियन ई टू ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास इन वन तो हमारे पास मिल जाएगा आउटर मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1, ठीक है, यहाँ पर लिखना है E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 और आउटर मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल सेट हमें क्या मिल जाएगा, आउटर मेजर ऑफ E इज इक्वल टू इनर मेजर ऑफ E इज इक्वल टू मेजर ऑफ E, ठीक है, ये भी देखो क्या है हमारे पास क्या है, मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है, उसका इंटरसेक्शन मेजरेबल होगा, ठीक है, ये मेजरेबल है, ई कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, सारे क्या है मेजरेबल है, ठीक है। देखो ये हमें पता है दो इसका यूनियन मेजरेबल होगा, मेजरेबल सेट का यूनियन मेजरेबल होता है, ठीक है, अब ये भी मेजरेबल है। अब यहाँ पर देखो यूनियन लेंगे, ये यूनियन अगर इसको सी ले लिया हमने, इसको अलग ले लिया, सी इंटरसेक्शन भी क्या होता है, मेजरेबल होता है, ठीक है, ये भी मेजरेबल हो गया। अब यहाँ पर देखो यूनियन और ई, अगर E कॉम्प्लीमेंट E मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, मेजरेबल होता है, तो हमारे पास जितने भी सारे क्या देखे हमने क्या है, सब मेजरेबल है, ठीक है, मेजरेबल है, तो हमें पता है कि अगर मेजरेबल होता है तो आउटर मेजर मेजर के बराबर हो जाता है, तो हम यहाँ पर आउटर की जगह पे क्या लिख देंगे, मेजरेबल लिख देंगे, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे, तो मेजरेबल एम ई आउटर मेजर जो नोटेशन है वहां पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, ठीक है,
एम ईवन यूनियन ई टू इजिकल टू मेजर ऑफ ईवन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ईवन हो जाएगा। देखो हमने अगर माना ईवन, हमें कुछ सेट ले लिया, ईवन हमारा 1 2 3 4 कुछ ले लिया हमने, ई टू हमने कुछ ले लिया 6 9 8 9 ले लिया, ठीक है। तो ईवन यूनियन ई टू हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 6 6 8 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने हमने क्या बोल रहा है, इसमें इवन यूनियन ई टू करना है, इवन यूनियन इसको सी ले लिया, ठीक है। मतलब सी इंटरसेक्शन ई टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ई टू तो मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इवन लिखा है, इंटरसेक्शन इवन लिखा, अगर यहाँ पे इवन कर दो, इवन कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इवन ही तो आएगा, ये 1 2 3 4 ही तो आएगा, ठीक है। सी में से इवन का इंटरसेक्शन क्या आएगा, हमारे पास इवन ही आएगा। तो हमने यहाँ पे इसको पूरा क्या लिख दिया, हमने इसको इवन लिख दिया, ठीक है। मेजर ऑफ इवन प्लस, अब यहाँ पे मेजर ऑफ, यहाँ पे एम ए की जगह पे नोटेशन चेंज करना, बस मेजर इवन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन इवन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो नाउ एडिंग मेजर ऑफ मेजर इवन इंटरसेक्शन ई टू बोथ साइड इन टू, ठीक है। हमें क्या करना है, अब ये यूनियन वाला तो निकल गया, इंटरसेक्शन वाला ऐड कर देंगे, ठीक है। बोथ साइड क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन वाला जो हमारे पास इक्वेशन टू आई उसमें इंटरसेक्शन वाला प्लस कर देंगे, ठीक है। मेजर इवन इंटरसेक्शन ई टू हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आएगा मेजर इवन यूनियन ई टू प्लस मेजर इवन इंटरसेक्शन ई टू प्लस मेजर इवन और यहाँ पर आएगा मेजर इवन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन इवन कॉम्प्लीमेंट और मेजर इवन इंटरसेक्शन ई टू, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला, ठीक है ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है तो हमने क्या लेना, इसमें यूनियन ले लेना, ठीक है। जो हम दो सेट्स लेंगे, ये सी और इसको डी ले लो, सी यूनियन डी ले लो, ठीक है। इसे मतलब ई वन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट एक हो गया सी, और यहाँ पर क्या लेना यूनियन, हमने तो ई वन आगे हमारे पास, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो हमने इसको अलग से इसको सॉल्व करेंगे हम, ये क्या आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारे पास ये क्या आएगा, ठीक है। तो आएगा ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ये यूनियन ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ई वन इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यहाँ पे आएगा ई टू इंटरसेक्शन इवन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे यूनियन इवन इंटरसेक्शन ई टू ऐसी रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करेंगे, इवन इंटरसेक्शन इवन कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 होगा नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास इवन क्या होता है, देखो इवन और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दोनों क्या होता है, डिसजॉइंट होता है, ठीक है। क्योंकि इवन के एलिमेंट तो उसमें आएंगे ना इवन कॉम्प्लीमेंट में, तो हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा, 5 यूनियन ए आ रहा है, ठीक है। हमारे पास इसको सी, मतलब इसको ऐसे कुछ लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये सी ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये सी आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा, तो ई टू यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 यूनियन इसको लेंगे तो हमारे पास आएगा ई टू इंटरसेक्शन इवन कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे यूनियन इवन इंटरसेक्शन ई टू हो गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर से अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ पर से देखो यहाँ पर आएगा ई टू इंटरसेक्शन, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको ऐसे लें, ये दोनों क्या है, दोनों इंटरसेक्शन है ई टू, और यहाँ पर देखो यहाँ पर आ रहा है इवन कॉम्प्लीमेंट यूनियन, इवन कॉम्प्लीमेंट यूनियन इवन आ रहा है। तो हमारे पास देखो उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई टू इंटरसेक्शन इवन कॉम्प्लीमेंट यूनियन इवन आएगा, ठीक है। अब देखो यूनियन, तो इवन कॉम्प्लीमेंट, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, वैसे यहाँ से आ रहा है कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों का यूनियन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, जो सेट जिसका हम सेट्स ले रहे हैं, सबसेट ले रहे हैं, वो आएगा, ठीक है, ए भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ई टू इंटरसेक्शन ए भी क्या आएगा, ई टू भी आएगा, ठीक है, क्योंकि इवन और कॉमा ई टू भी क्या है हमारे पास, सबसेट ऑफ ए भी है कि नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, ई टू आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इवन अगर इसका सबसेट है तो इवन कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी माइनस इवन आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो यूनियन हम इसका अगर यूनियन लेंगे तो हमारे पास पूरा क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी लिख रखा हमने, ई टू इंटरसेक्शन ए बी, तो हमारे इंटरसेक्शन क्या आएगा, ई टू आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये मतलब इसको जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, इवन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन इवन कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या आएगा, यूनियन इवन इंटरसेक्शन ई टू इजिकल टू ई टू आ जा रहा है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ई टू, दिस इज, देखो ये क्या है, ये भी डिसजॉइंट है और ये भी क्या है, डिसजॉइंट है, ठीक है। दोनों क्या है, अलग अलग क्या है, ये डिसजॉइंट हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। तो दिस इज यूनियन ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स, ये क्या है, यूनियन ऑफ मेजरेबल डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स है, ठीक है, डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स आ रहे हैं।
तो हम देखो मेजर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो यूनियन की वजह से यहाँ पे इक्वल साइन के साथ आएगा, ठीक है, ये लेस देन इक्वल ना, इक्वल डिसजॉइंट है, ठीक है, तो डिसजॉइंट है तो मेजर ऑफ ए यूनियन बी, अगर ये डिसजॉइंट होते तो मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी हो जाता है इक्वल साइन के साथ, तो हमारी ये इक्वल साइन के साथ ही रहेगा, ठीक है, तो मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट प्लस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इक्वल टू मेजर ऑफ ई टू, ठीक है, तो पुट दिस वैल्यूज इन थ्री, इस वैल्यू को हम थ्री में रख देंगे, यहाँ पर ये जो ये वाला पूरा है ये यहाँ पर क्या आ जाएगा ई थ्री, ठीक है, जो हमारे पास मेजर ऑफ ई टू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये तो मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू प्लस मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इक्वल टू मेजर ऑफ ई वन प्लस मेजर ऑफ ई टू, ठीक है, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो एक थ्योरम और है, ये हम पहले कर चुके थे, इफ ई इज काउंटेबल सेट तो मेजर ऑफ ई इक्वल टू जीरो, हमने आउटर मेजर के लिए देखा था, ठीक है, हमने ये थ्योरम किसके लिए देखी थी, आउटर मेजर, और आउटर अगर हमें हमारा आउटर मेजर और इनर मेजर बराबर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो आउटर मेजर के लिए हमने ये देख चुके हैं, ठीक है, अगर हमने ई काउंटेबल देखा तो मेजर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, आउटर मेजर के लिए हमने ये देख चुके हैं, ठीक है, ये प्रूफ देख चुके हैं, ठीक है, फॉर आउटर मेजर ये जीरो आया था और इनर मेजर क्या होता है, इसका सबसेट होता है, और ये इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और इनर मेजर क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, तो ये इनर मेजर भी क्या आएगा हमारे पास, ये जीरो जाएगा, ठीक है, तो इनर मेजर आउटर मेजर इक्वल टू इनर मेजर इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, मेजर ऑफ ई इक्वल टू जीरो, ठीक है, इसके लिए तो हमें ये प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, इसका प्रूफ देख लेना, इसको प्रूफ करना, ठीक है, काउंटेबल के लिए कैसे प्रूफ करा था वो है सेम, ठीक है, काउंटेबल ये आउटर मेजर के लिए प्रूफ करना, जीरो कैसे निकालना है, फिर हमें ये पता है कि इनर मेजर कहता है आउटर मेजर से लेस देन इक्वल टू होता है, आउटर मेजर जीरो देखा और इनर मेजर कहता है ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, तो इनर मेजर भी हमारे पास जीरो आ गया, दोनों आउटर और इनर बराबर हो गए, तो मेजर भी हमारे पास क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब बराबर हो गए, ठीक है, तो ये हमारे ये वाला थ्योरम भी प्रूफ हो गया, और बट कन्वर्स नॉट ट्रू वही कंटूर सेट, ठीक है, कंटूर सेट आउटर मेजर जीरो दिखा दिया, इनर मेजर लेस देन इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या है, मेजर भी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, मेजर जीरो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कंटूर सेट क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, कन्वर्स नॉट ट्रू मतलब क्या, अगर मेजर जीरो हो तो जरूरी है सेट काउंट वो अगर काउंटेबल ही हो, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है, ये इसका कन्वर्ज है, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको कहीं पे वीडियो समझ में आओ, कहीं पे कोई थ्योरम क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर पीबीएसई या पेपर्स उसके सॉल्यूशन चाहिए या पीबीएसई लेक्चर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगी, ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, अगर क्वारीज होगी, कोई सजेशन लेना होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम में दे सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।